रंगों का त्यौहार है होली और होली 25 मार्च को है, लेकिन इसके भव्य रंग जगह जगह नजर आ रहे हैं। ब्रज की होली के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है क्योंकि यहाँ 40 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। उसी होली उत्सव के रंग आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वृंदावन का राधा वल्लभ मंदिर हो या फिर मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर, ब्रज में हर तरफ होली के साथ फाग की धूम मची है। ब्रज ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से भी होली उत्सव की भव्य तस्वीरें सामने आई है। अल्मोड़ा से लेकर कोटद्वार तक में लोग होली के रंग में रंगे नजर आने लगे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ब्रज की होली के भव्य रंग। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में श्रद्धालु होली का जमकर आनंद उठा रहे हैं। और ब्रज की होली यूं ही प्रसिद्ध नहीं कही जाती, यहाँ अलग अलग अंदाज में होली मनाई जाती है। आखिर ये भगवान और भक्त के बीच की होली जो होती है, आइए आपको दिखाते हैं इसके रंग। कान्हा की नगरी ब्रज में होली के दिव्य रंग छाए हुए हैं। ब्रज में बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है और फिर 40 दिनों तक लोग इसी के रंग में नजर आते हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा सखियों और गोपियों संग होली खेलते हैं और यही आनंद हर जगह दिख रहा है। मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर हो या फिर वृंदावन का राधा वल्लभ मंदिर, यहाँ विशेष रूप से आकर लोग होली का आनंद उठा रहे हैं। होली के रंग राधा वल्लभ जी के साथ, होली की मस्ती। काफी समय से हमें होली खेलने की इच्छा थी, आज पूरी हो गई। वृंदावन स्पेशली इसीलिए आए हैं होली खेलने, आज तक तो हमने सुना था दादा परदादा और आज हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उड़ते गुलाल के बीच श्रद्धालु भक्ति के रंग में सराबोर हो रहे हैं। हर किसी पर होली का खुमार छाया है। ब्रज की होली अपने आप में निराली है क्योंकि यहाँ होली सिर्फ गुलाल की रंगों की होली नहीं होती, नटमार होली भी होती है और लड्डू की होली भी होती है। और जब होली का रंग कृष्ण भक्ति से जुड़ जाता है तो नजारा इतना ही खूबसूरत होता है। पूरे मंदिर का मैं चाहूंगी एक बार आप दृश्य देख लें। जो मंदिर के सिवायत है वो थोड़ी थोड़ी देर में राधा वल्लभ के दर्शन कराने के लिए श्रद्धालुओं को मंदिर के पट खोल रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, या इसे भक्ति की भाषा में कहें तो राधा वल्लभ आंख मिचोली कर श्रद्धालुओं के साथ होली खेल रहे हैं। ब्रज की होली में भगवान और भक्तों के बीच आस्था और श्रद्धा के रंग देखने को मिलते हैं। 17 मार्च यानी रविवार को श्रीजी मंदिर बरसाना में बरसाना लड्डू होली का आयोजन होगा। उसके अगले दिन 18 मार्च को बरसाना की मुख्य होली लठमार होली होगी। 19 मार्च को नंदगांव में लठमार होली का आयोजन होगा तो 20 मार्च को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूल वालों की होली होगी। वृंदावन में रंग भरी एकादशी की होली भी होगी। 20 मार्च को भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मंदिर और पूरे मथुरा में होली का विशेष आयोजन होगा। 21 मार्च को गोकुल होली के साथ ही रमण रेती दर्शन होगा तो 24 मार्च को होलिका दहन का आयोजन होगा और 25 मार्च को दुल्हनी खेली जाएगी, यानी द्वारकाधीश ब्रज में टेसू, फूल, अबीर, गुलाल होली के साथ ही रंग बिरंगे पानी की होली खेली जाएगी। ये सभी होली से जुड़े मुख्य आयोजन हैं, लेकिन पूरे ब्रजमंडल में बसंत पंचमी से ही होली का उत्सव जारी है, जिसका लोग फिलहाल तो खूब आनंद उठा रहे हैं। वृंदावन से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वृंदावन में होली के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं और आप भी देखिए बांके बिहारी मंदिर से हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित की ये रिपोर्ट। देखिए ब्रज में आस्था के रंग आपको हर तरफ नजर आएंगे। बांके बिहारी मंदिर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह कितना ज्यादा है। सबसे पहले तो यहाँ पर भजन सुन लीजिए और साथ ही साथ ये नन्हे मुन्ने बाल कृष्ण को आप देख सकते हैं जो अपने अपने घरों से लेकर आए हैं, जिन्होंने होली के कपड़े भी पहने हुए हैं, रंग भी लगाया हुआ है, गुलाल भी लगाया हुआ है और ये आस्था है जो आपको नजर आएगी लोगों।
रंगों की। शुरू कर दिया है पीले रंग का ये गुलाल जो कि श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और ये गुलाल अब डल रहा है जो श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्त हैं, मंदिर में मौजूद श्रद्धालु हैं उनके ऊपर, और इस तरीके से होली यहाँ पर खेली जा रही है। और ये तो सिर्फ आज का रंग है जब यहाँ गुलाल की होली देखने को मिल रही है, रंगों की होली यहाँ पर होती है, लड्डू की होली यहाँ पर होती है, और अलग अलग तरीके से होली यहाँ पर खेली जाती है। और यही खूबसूरती है ब्रज की जो हर तरफ आपको नजर आएगा। और एक जयकारा जो आप सुन पा रहे होंगे मेरे पीछे, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। अब देखिए ब्रज तो ब्रज, पहाड़ों में भी होली की भव्यता नजर आने लगी है। उत्तराखंड में भी इसका आगाज हो गया है। खड़ी होली के रंग बिरंगे अंदाज के साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अल्मोड़ा में महिलाओं ने पूरे रंग में खड़ी होली का अंदाज उठाया। खास बात यह है कि होली के इस जश्न में विदेशी महिलाएं भी शामिल हुई। फाग और राग का ठेठ कुमाऊनी अंदाज, फिजा में अबीर गुलाल उड़ाती मस्त मगन ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं विश्व प्रसिद्ध खड़ी होली मनाने के लिए, जिसका आगाज कुछ ऐसे रंग बिरंगे अंदाज में हुआ। अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर परिसर में एक बड़े से घेरे में कदम से कदम मिलाकर चलती ये महिलाएं ढोलक मंजीरे की थाप पर मोहन गिरधारी के नाम फाग गा रही हैं। होली यूं तो पूरे देश का ही फेवरेट त्योहार रहा है, मगर अलग अलग प्रांतों में होली मनाने का अलग अलग अंदाज भी है। ऐसे में जहां ब्रज की होली की सतरंगी छटा निराली रहती है, तो वहीं उत्तराखंड की होली भी कई मायनों में और जगहों की होली से जुदा और खास है। रंगों से सराबोर इन महिलाओं ने अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर परिसर से होली की शुरुआत की। हवा में अबीर गुलाल उड़ाकर खूब डांस किया। इस दौरान फ्रांस से आई ये महिलाएं भी होली के रंग में रंगी दिखी। अल्मोड़ा के अलावा कुमाऊं अंचल में होली का त्योहार नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में भी बड़ी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कुमाऊनी होली यहाँ की संस्कृति और समाज का अहम हिस्सा भी रही है, जो महज खड़ी होली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बैठकी होली, महिलाओं की होली, थिएटर और स्वांग तक है, जो उत्तराखंड की संस्कृति की एक समृद्ध मिसाल है। फिलहाल तो माँ नंदा देवी के आंगन में कुमाऊनी बोली में फाग गाकर खड़ी होली मनाती इन महिलाओं ने समा बांध दिया। अल्मोड़ा से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में जगह जगह होली का उल्लास नजर आ रहा है। यहाँ खड़ी और बैठकी होली की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, देखिए अल्मोड़ा के अलावा कोटद्वार में भी लोगों पर होली का खुमार चढ़ने लगा है। आप भी देखिए होली की मस्ती की ये संगीतमय तस्वीरें। मस्ती की धुन बजने लगी, मंजीरे की खनक सुनाई देने लगी, होली के गीतों की महफिल अब सजने लगी, होली का सुरूर अब चढ़ने लगा है और फिजा में होली का रंग अब घुलने लगा है। होली आने में भले ही अभी कुछ दिन हैं, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों पर होलियारों की महफिल और होली की मस्ती, होली के गीतों की मिठास घुलने लगी है। सफेद कुर्ता, सिर पर टोपी, गले में केसरिया गमछा और होली की मस्ती का सुरूर, जो भी सुने वो खुद को झूमने से नहीं रोक पाए। असल में होली से कुछ दिन पहले ही पहाड़ों में होली का रंग जमने लगता है। पहाड़ों में इसे खड़ी और बैठकी होली भी कहा जाता है। अब जैसे जैसे रंगों का ये महापर्व नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे रंगों की महफिलों की रंगत भी बढ़ती चली जाएगी। विकास वर्मा, कोटद्वार, गुड न्यूज टुडे। अब बात एक विशेष आरती की। अब तक
आपने हरिद्वार और वाराणसी में गंगा आरती देखी होगी, लेकिन अब आप दिल्ली में भी ऐसी आरती देख पाएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना घाट पर भी ऐसी ही भव्य आरती होने जा रही है। इसके लिए एक घाट का कायाकल्प हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। आपने हरिद्वार और वाराणसी में गंगा आरती तो जरूर देखी होगी। ये नजारा इतना अद्भुत होता है कि लोग इसमें खो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। अब आपको ऐसे अविस्मरणीय क्षणों का आनंद लेने के लिए दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के वासुदेव घाट पर काशी और हरिद्वार की तर्ज पर ही महाआरती करने की तैयारी की जा रही है। यमुना नदी, जिसे भारत में माँ माना जाता है, यमुनोत्री से लेके प्रयागराज तक हर जगह यमुना की पूजा की जाती है। उसी यमुना की आरती अब राजधानी दिल्ली में हर संध्या को की जाएगी। जैसे हरिद्वार में, काशी में, ऋषिकेश में गंगा आरती होती है, वैसे ही एक कोशिश की गई है कि राजधानी दिल्ली के वसुदेव घाट में जो है वो हर संध्या यमुना आरती हो सके। दिल्ली में वासुदेव घाट पर भव्य और दिव्य यमुना आरती होगी। हर शनिवार और रविवार को होने वाली ये यमुना आरती ठीक वैसी ही होगी जैसे काशी के घाटों पर गंगा आरती हर रोज होती है। वासुदेव घाट पर होने वाली इस यमुना आरती के लिए डीडीए की तरफ से कवायद भी शुरू हो गई है। डीडीए की देखरेख में यमुना के वासुदेव घाट का कायाकल्प भी किया जा रहा है। इसके पीछे मकसद साफ है कि यमुना नदी को उसकी असली पहचान वापस दिलाई जा सके। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और वहीं से यमुना को माँ मान के उसकी पूजा की जाती है। जब तक वो प्रयागराज नहीं पहुंच जाती, हर जगह यमुना को माँ माना जाता है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में जैसे गंगा की आरती की जाती है, वैसे ही अब राजधानी दिल्ली में यमुना की हर संध्या आरती की जाएगी। एक कोशिश की जा रही है जो यमुना जो दम तोड़ रही थी राजधानी दिल्ली में, उसकी एक बार तस्वीर फिर से बदली जाए, क्योंकि यमुना का स्थान लोगों के हृदय में माँ के समान है। माँ मान के यमुना की पूजा की जाती है, वैसे ही अगर एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में यमुना की आरती की जाए तो ये कोशिश रहेगी कि अपनी माँ को दिल्ली वाले, दिल्ली की सरकार जो है फिर से पुनर्जीवित करेंगे। जैसे यमुना गंगोत्री में कलकल बहती है, वैसे ही यमुना जो है वो राजधानी दिल्ली में भी कलकल बहेगी, निर्मल यमुना का जल होगा। इसी उम्मीद के साथ जो है राजधानी दिल्ली में शुरुआत की गई है यमुना संध्या आरती की। वसुदेव घाट में हर रोज जो है वो यमुना आरती की जाएगी और एक कोशिश की जाएगी कि यमुना नदी जो राजधानी दिल्ली में दम छोड़ चुकी है वो एक बार फिर से पुनर्जीवित हो सके। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या का रुख करते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए कतारें लगी हैं, तो साथ में श्रद्धालु उनके लिए अभी भी एक से बढ़कर एक गिफ्ट ला रहे हैं। और इसी कड़ी में अब रीवा से रामलला के दरबार के लिए एक विशेष नगाड़ा भेजा गया है जो काफी विशाल है। ये नगाड़ा बेहद खास है। ये नगाड़ा सबसे अलग है। अपने विशाल आकार के कारण ये नगाड़ा तमाम लोगों को आकर्षित कर रहा है। असल में ये नगाड़ा मध्य प्रदेश के रीवा में बनाया गया है और वहां के लोगों की ओर से इसे अयोध्या में विराजमान रामलला को भेंट किया जा रहा है। रीवा से श्रद्धालु राम भक्तों की टोली इस अनोखे नगाड़े को लेकर अयोध्या धाम पहुंची है। दावा किया गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा जो कि हमने महाशिवरात्रि में एशिया वर्ल्ड कप ऑफ रिकॉर्ड में अचीव किया है, इसको हम श्री राम को समर्पित करने जा रहे हैं अयोध्या। रामलला को एक रीवा की ओर से सबसे प्रसिद्ध चीज और एक अनोखी चीज भेंट कर पाए। बताया जा रहा है कि 33 फीट व्यास वाले इस नगाड़े का वजन 1100 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 6 फीट है। कारीगरों को इसे बनाने में 3 महीने लग गए। शुरुआत तो काफी दिन पहले से हुई थी, 3 महीने में बन के तैयार हुआ है और हम लोग ले जाकर के श्री राम जी के लिए समर्पित करेंगे उनको और ये वहाँ पे बजेगा। अच्छा, ये नगाड़ा बनाने का ख्याल क्यों आया था? जिस तरह से अभी राम जन्म भूमि का उद्घाटन हुआ तो हमें भी लगा कि हमारे रीवा से मध्य प्रदेश का भी कुछ वहाँ पे होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए जिससे लोग जाने कि हाँ रीवा से भी एक बड़ा भेंट आई है।
अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। जनवरी में नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही देश भर से आ रहे श्रद्धालु अलग अलग किस्म के सामान रामलला को भेंट के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब रीवा के लोगों की ओर से ये नगाड़ा अयोध्या भेजा गया है। माना जा रहा है कि रामलला के दरबार में ये नगाड़ा बजेगा तो इसकी गूंज पूरे अयोध्या धाम में सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इससे भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन का एक ग्लोबल हब बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने शिलान्यास के बाद उम्मीद जताई है कि सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट लगने से दुनिया के चिप बाजार में एंट्री भारत के लिए एक नई शुरुआत होगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बनेंगे। इक्कीसवीं सदी टेक्नोलॉजी की है और सेमीकंडक्टर का उत्पादन ही भारत को एक ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगा, क्योंकि इसके बिना ग्लोबल हब की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, भारत में डिजाइन किया गया चिप, भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की तरफ ले जाएगी। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप, भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। इसके लिए पीएम मोदी ने गुजरात के धोलेरा और शानंद के साथ असम के मोरी गांव में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में अपना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट खोलेगी। इसमें 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जबकि गुजरात के ही सारणंद में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। इसमें करीब 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही असम के मोरी गांव में जो प्लांट स्थापित की जाएगी उसकी लागत 27,000 करोड़ रुपए होगी। भारत की इस पहल से दुनिया में सेमीकंडक्टर के उत्पादन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। इन 3 केंद्रों से कुल 2,602 करोड़ चिप्स का निर्माण सालाना होगा, जिससे न सिर्फ घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरण, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में आसानी और किफायती दाम पर चिप्स की आपूर्ति होगी, बल्कि दुनिया के चिप्स बाजार में भारत की एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। और अनुमान है कि इन 3 प्लांट से करीब 80,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।